नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 27वां पाठ, शांति दूत श्री कृष्ण। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो कौरव सेना थी, उन्होंने भी पहले अपने दूत को भेजा वहां संजय को, और उसने वहां जाकर एकलव्य में जाकर उनका धृतराष्ट्र का संदेश दिया, लेकिन संदेश में किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं किया कि वो राज्य का कोई भी हिस्सा देने के लिए दुर्योधन तैयार है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार मैं जाकर युद्ध से पहले शांति प्रस्ताव लेकर स्वयं जाऊंगा, क्योंकि युद्ध से जनहन की बहुत हानि होती है। अब ये कृष्ण चले शांति दूत बनकर। श्री कृष्ण सात्यकी के साथ शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर शांति की बात करने आ रहे हैं, संधि की बात करने आ रहे हैं, तब पुरवासियों ने उनके स्वागत में नगर को खूब सजाया। दुर्योधन के भवन से दुशासन का भवन अधिक ऊंचा था, अतः धृतराष्ट्र ने दुशासन के भवन में श्री कृष्ण के ठहरने की व्यवस्था की। यानी वो श्री कृष्ण की बड़ी आवभगत करना चाहते थे, उन्हें किसी भी प्रकार से प्रसन्न करके भेजना चाहते थे। श्री कृष्ण सबसे पहले धृतराष्ट्र के भवन में गए, फिर उनसे विदा लेकर विदुर के पास गए। कुंती वहीं पर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी। श्री कृष्ण को देखते ही कुंती को अपने पुत्रों की याद आई। श्री कृष्ण ने कुंती को समझाया कि फिर वे दुर्योधन के भवन में चले गए। श्री कृष्ण की बुआ थी कुंती, आप बच्चे ये जानते हैं सभी। दुर्योधन ने उनका बड़ा स्वागत किया, बड़ा शानदार स्वागत किया, और उनको भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, देखो राजन, जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हुए बिना भोजन का न्योता देना उचित नहीं है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण विदुर के पास चले गए और उन्होंने वहीं पर भोजन और विश्राम किया। मतलब दुर्योधन क्या चाह रहा है, दुर्योधन चाहता था कि वो किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण को अपने पक्ष में कर ले, क्योंकि श्री कृष्ण थे बहुत अधिक शक्तिशाली। ठीक है, तो वो ये सोच रहा था मैं कैसे भी इनको भोजन खिलाकर किसी भी प्रकार से इनको प्रसन्न कर लूं और अपने पक्ष में कर लूं। लेकिन श्री कृष्ण तो आप जानते हैं बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, बहुत ही चतुर थे, तो वो उसके झांसे में नहीं आए। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर के बीच आगे के कार्यक्रमों के बारे में सलाह हुई। दूसरे दिन दुर्योधन और शकुनी ने श्री कृष्ण को बताया कि महाराज धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण विदुर के साथ धृतराष्ट्र के भवन में गए, वहां बड़ों को प्रणाम करके वे आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने पांडवों की मांग सभा में रखी। उन्होंने बताया, राजन, पांडव शांति प्रिय है किंतु वे युद्ध के लिए भी तैयार है, मतलब तुम उन्हें कायर न समझना। आप सही न्याय करके भाग्यशाली बने। यह सुनकर धृतराष्ट्र सभासदों से बोले, मैं तो वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है। यानी श्री कृष्ण शांति की बात कर रहे हैं, मैं भी शांति की ही बात कर रहा हूँ। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं चाहता हूँ पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और तुम उनसे संधि कर लो। अगर ऐसा होगा तो पांडव स्वयं तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में स्वीकार कर लेंगे। धृतराष्ट्र ने भी अपने पुत्र दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन वो तो बस अपनी जिद पर अड़ा रहा। दुर्योधन बार बार अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता था। उसकी इस बात पर श्री कृष्ण को हंसी आ गई। उन्होंने पांडवों के ऊपर किए गए अत्याचारों को विस्तार से याद दिलाया जो दुर्योधन ने उन पर किए थे। यह सब सुनकर दुशासन क्रोधित हो उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। इसी बीच धृतराष्ट्र ने सभा में गांधारी को बुलाया। गांधारी बड़ी बुद्धिमती थी और राजनीति का बड़ा अच्छा ज्ञान रखती थी। दुर्योधन को भी फिर से बुलाया गया सभा में। गांधारी ने उसे बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की, पर दुर्योधन तो इतना अंधा हो चुका था अपने गर्व में कि उसने अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनी। उसे पुनः सभा से फिर वो बाहर निकल गया। बाहर जाकर दुर्योधन अपने साथियों से मिलकर राजदूत कृष्ण को पकड़ने के लिए षड्यंत्र करने लगा। जबकि राजदूत को पकड़ना ये जो है एक नीति के खिलाफ है। मतलब कहीं भी जो पुराना समय है, आज के समय में भी कभी भी जो किसी देश के राजदूत है, आप उनके ऊपर कभी भी किसी प्रकार का उनको हानि नहीं पहुंचा सकते, चाहे दोनों देशों में कैसा भी युद्ध क्यों ना चल रहा हो।
श्री कृष्ण को तो बहुत चतुर थे, वो पहले से जानते थे दुर्योधन ऐसा जरूर कुछ करेगा। तो उन्होंने क्या किया, वे पहले तो उसकी मूर्खता पे हंसे और फिर वो उठकर कुंती के पास चले गए। कुंती श्री कृष्ण से बोली, हे कृष्ण, तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। कुंती इस कुलनाशी युद्ध के बारे में सोचकर भी सुनकर व्याकुल हो गई, बहुत बेचैन हो गई। वह अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंची, जहां कर्ण रोज संध्या वंदन के लिए यानी संध्या समय पूजा के लिए आया करता था। कर्ण ने जब कुंती को देखा तो शिष्टतापूर्वक अभिवादन करके बोला, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने कर्ण को असलियत बताते हुए कहा कि तुम अधिरथ के पुत्र नहीं हो, बल्कि राजकुमारी प्रथा की कोख से उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य देव के अंश हो, यानी तुम मेरे ही पुत्र हो। तुम दुर्योधन के पक्ष में होकर अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। तुम अर्जुन के साथ मिलकर वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। कर्ण माता कुंती की बात सुनकर बोला कि माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला गया तो लोग मुझे कायर कहेंगे। आज जब युद्ध होना निश्चित हो गया है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं पांडवों के विरुद्ध लड़ूं। हाँ, मैं असत्य नहीं बोलूंगा, आप मुझे क्षमा कर दें, लेकिन हाँ, आपको आपकी बात को एकदम व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव के प्राण मैं नहीं लूंगा। युद्ध में या तो अर्जुन मारा जाएगा या मैं मारा जाऊंगा, तो हर हालत में आपके पांच पुत्र रहेंगे, यानी आप पांच पुत्रों की माता तो किसी भी स्थिति में रहेंगी, अतः आप इस बात की चिंता न करें। कुंती अपने बड़े पुत्र की बात सुनकर बहुत विचलित हो गई, बड़ी बेचैन हो गई, फिर भी उसे गले लगाते हुए बोली, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। कर्ण को आशीर्वाद देकर कुंती महल में चली गई। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ, शांति दूत कृष्ण। इसके थोड़े से शब्दार्थ हम देख लेते हैं। उद्देश्य, लक्ष्य, कुचक्र, षड्यंत्र, व्याकुल, बेचैन, आरूढ़, सवार होना, विचलित, बेचैन, स्वीकृत, मान्य, सर्वनाश, पूरा जो है विनाश हो जाना, वक्तव्य, बात। एक दो प्रश्न जो मैं आपको हमेशा कराती हूँ वो मैं बता देती हूँ। श्री कृष्ण किस उद्देश्य से हस्तिनापुर गए थे? श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों की संधि कराने के उद्देश्य से हस्तिनापुर गए थे, और भविष्य और वो ये इसलिए कभी गए थे कि वे सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि भविष्य में कोई भी ये जो है उन पर आरोप न लगाए कि उन्होंने शांति की प्रार्थना, शांति के प्रस्ताव को तो ठुकरा ही दिया। तो वो युद्ध बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि शांति जिस भी कीमत पर मिले हमें ले लेनी चाहिए। एक है, दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण को भोजन का न्योता दिया तो वे क्या कहकर विदुर के यहाँ चले गए? दुर्योधन ने श्री कृष्ण का बड़ा स्वागत किया, शानदार उचित आदर सत्कार के बाद उसने भोजन का न्योता दिया, तो श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूं, अगर वो उद्देश्य पूरा हो गया तो आप मुझे भोजन का न्योता दें, तभी वह उचित होगा। ठीक है, तो बच्चों ये प्रश्न भी आप अच्छी तरह कर लीजिएगा, और ये था हमारा आज का पाठ, शांति दूत श्री कृष्ण, 27वां पाठ। अब हम समाप्त करते हैं, अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।